हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल सेल आफ्टर जॉइनिंग द इनर मोस्ट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल बाय कंडक्टिंग वायर एंड ऑल्सो फाइंड चार्ज ऑन ईच सर्फेसेस। ये डायग्राम दे रखा था। तो देखो, इसने इनर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने की कहा है, तो मैंने इस इनर सेल और आउटर मोस्ट सेल इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। इस तरह करने का मतलब है कि ये वाला जो स्फेरिकल सेल 2 है वो वायर से कनेक्ट नहीं है, केवल इनर और आउटर मोस्ट सेल कनेक्टेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम दो कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक तब फ्लो करता है जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो एक कंडक्टर का, फर्स्ट कंडक्टर का, थर्ड कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा बेटा, VA बराबर VC। और चार्ज, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसीलिए आउटर सरफेस तो ये, इसीलिए चार्ज इधर से इधर जाएगा बेटा। तो मान लो कि इस पे जो चार्ज फ्लो किया, ये क्यू चार्ज फ्लो किया, और क्यू चार्ज फ्लो करने के बाद इनका पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, तो और चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, तो इस पे कितना चार्ज रह गया, माइनस के क्यू। इसमें से निकला इसीलिए माइनस क्यू, इसमें आया है इसलिए प्लस के क्यू। और इतना चार्ज फ्लो करने से इन दोनों कंडक्टर के ए और सी के पोटेंशियल सेम हो गए। जैसे पोटेंशियल सेम हुए चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ए और सी का पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर पुट कर दें तो कितना चार्ज फ्लो किया है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले अब इसमें कंसेप्ट है मात्र इतना सा कि आपको स्पेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं पहले फॉर्मूले पे ही कंट्रोल करा लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है। जरा समझिए, फॉर कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल के लिए, ये जो फॉर्मूले वैलिड हैं कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल के लिए हैं। स्पेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तो उसके लिए फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, हॉलो स्फीयर के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग, जरा समझते हैं। अगर मेरे पास ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर है, तो इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस इसमें कैपिटल आर है। इसके तीन पॉइंटों पर पोटेंशियल निकालना है, एक तो इनसाइड, एक आउट सरफेस पर, एक आउटसाइड। जब भी हम इनसाइड पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू स्पेरिकल सेल, जो चार्ज स्पेरिकल सेल को जो चार्ज दिया गया है उसके कारण, है ना, इनसाइड। तो देखो, ये सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस मानेंगे, स्मॉल आर हमेशा सेंटर से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्मॉल आर कैसा है, छोटा है कैपिटल आर से। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, वैसे तो हम ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, लेकिन इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं वो ऑलवेज सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। इनसाइड और सरफेस पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। जब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनसाइड द कंडक्टर सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और सरफेस के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, सरफेस के बराबर होगा। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो सरफेस वाला लिखेंगे, क्यू के क्यू बाई, ये डिस्टेंस नहीं आएगी, सरफेस वाली डिस्टेंस आएगी कैपिटल आर। जब भी इनसाइड सेंटर पर भी निकालेंगे तब भी इतना ही पोटेंशियल होगा। तो डिस्टेंस पे ध्यान दो, निकाल रहे हैं इनसाइड पॉइंट ए पर, और डिस्टेंस कौन सी आ रही है, दिख रहे हो, सरफेस वाली। तो कभी भी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो तो डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला। दूसरा, अगर हम सरफेस पर ही निकाल रहे हैं, अगर हम सरफेस ही पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस आर है, इसे कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, सरफेस पे पूछ रहे हैं बी पॉइंट पर, तो वहां पे सेंटर से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गए। पॉइंट बी पे निकाल लें जैसे, तो सरफेस पे निकालते हैं तो वी सरफेस, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, ये सरफेस पे तो था ही पोटेंशियल। और आउटसाइड निकालते हैं, अगर हम आउटसाइड निकालते हैं, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, डिस्टेंस स्मॉल आर है सेंटर से, मान लें जैसे सी पॉइंट पे निकाल लें तो स्मॉल आर ग्रेटर देन हो गया कैपिटल आर से, और ये पॉइंट सी पर हो गए, पॉइंट
पॉइंट सी पे चर्चा कर रहे हैं। तो वी आउटसाइड जो होगा के कैपिटल क्यू, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी और स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा रहेगा। तो डिस्टेंस पर ध्यान देखिए, अगर आउटसाइड निकाल ले हो तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी, सरफेस पे निकाल ले हो तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आएगी, और इनसाइड निकाल ले हो तब भी सरफेस वाली डिस्टेंस आएगी, सरफेस के बल पोटेंशियल के बराबर होगा। ये तीन पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करिए। अब खत्म क्वेश्चन, अब आप अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, लेकिन ए पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये तीन कारणों से होगा ए पॉइंट का पोटेंशियल। एक, ए पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल वन, सेल वन के कारण ही पॉइंट ए पर पोटेंशियल, सेल पॉइंट ए पर पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल टू, टू के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल, और ए पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल थर्ड, तीसरे सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल। अब फर्स्ट स्फेरिकल सेल वन के लिए पॉइंट ए कहाँ है, स्फेरिकल सेल वन के लिए पॉइंट ए सरफेस पर है, तो सरफेस वाला फॉर्मा लगा देंगे। तो के चार्ज कितना है इस पर, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर डिस्टेंस आर, सरफेस पर है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आएगी जो कि कैपिटल आर है, प्लस स्फेरिकल सेल टू के लिए पॉइंट ए कहाँ है, पहले चेक करो स्फेरिकल टू के लिए पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड है आउटसाइड है सरफेस पर है, तो इनसाइड है, और इनसाइड जब भी निकलता है तो सरफेस पर निकालते हैं, तो टू के सरफेस पर निकाल लो पोटेंशियल, उतना ही पॉइंट ए पर होगा। तो क्या लिखें, के कितना चार्ज है इस पे, माइनस के टू क्यू, और सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है टू तक की, टू आर, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे अब क्योंकि टू के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, और इनसाइड कभी भी निकालना हो तो जितना सरफेस पर टू के सरफेस पर होगा उतना ही इनसाइड एवरी पॉइंट पर होगा, तो टू के सरफेस पर निकालेंगे तो डिस्टेंस है टू आर, प्लस थर्ड सेल के कारण पॉइंट ए पर, तो थर्ड सेल के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, तो थर्ड के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उतना इनसाइड एवरी पॉइंट पर होगा, इसलिए थर्ड के सरफेस पे निकालेंगे तो के फाइव क्यू प्लस स्मॉल क्यू ओवर सरफेस तक की डिस्टेंस लिखेंगे जो थ्री आर है, इसीलिए थ्री आर लिखिए। ये समझ में आई आपको पहले वी ए। ऐसे ही सिमिलरली आप बी सी पॉइंट का नेट पोटेंशियल लिख लीजिए, सी पॉइंट का, इन दोनों को इक्वल करना है ना, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल भी तीन कारणों से होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल स्फेरिकल सेल वन के कारण, सी पॉइंट का पोटेंशियल स्फेरिकल सेल टू के कारण, और सी पॉइंट का पोटेंशियल स्फेरिकल सेल थर्ड स्फेरिकल सेल के कारण। सी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है स्फेरिकल सेल वन के लिए, तो स्फेरिकल सेल वन के लिए सी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है देखो, और आउटसाइड जो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है अगर आउटसाइड हो तो, ठीक है। तो कितनी आएगी बेटा, क्या लिखें पहले, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर डिस्टेंस आ गई थ्री आर। सी टू सेकेंड सेल के लिए सी पॉइंट कहाँ है, तो देखो सेकेंड स्फेरिकल सेल के लिए सी आउटसाइड है, और आउटसाइड सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है, तो के माइनस के टू क्यू ओवर थ्री आर, प्लस सेल थर्ड के लिए पॉइंट सी कहाँ है, देखो सेल थ्री के लिए पॉइंट सी कहाँ है, चेक करो सरफेस पर इनसाइड आउटसाइड, तो आंसर है सरफेस पर, तो सरफेस पर है तो के फाइव क्यू प्लस स्मॉल क्यू ओवर थ्री आर, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस। तो देखो ये दोनों वैल्यू, ये ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल आ गया, ये सी पॉइंट का नेट पोटेंशियल आ गया, यहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट, वी ए बराबर बी सी, तो के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर आर कैपिटल आर, प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस है ये, तो टू के क्यू ओवर टू आर, प्लस के फाइव क्यू प्लस क्यू ओवर थ्री आर इक्वल टू के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई थ्री आर, प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस का टू के क्यू ओवर थ्री आर, और प्लस का के फाइव क्यू प्लस के क्यू ओवर थ्री आर। देखो ये वाला टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो इसीलिए कट गया है ना, और दोनों साइड से के कॉमन लेके काट दें,
और दोनों साइड से आर कॉमन लेके काट दें, तो इधर क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू, क्यू माइनस के क्यू, और यहाँ टू से ये टू कट गया, कैपिटल क्यू, के तो कट ही चुका है, बोथ साइड से कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, इधर देखें तो किधर कितना बचा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई थ्री, और यहाँ क्या बचा, माइनस का क्यू बाई थ्री। यहाँ से थ्री एलसीएम ले लें, और थ्री एलसीएम लेके इसमें, अच्छा क्यू से ये क्यू कट गया, थ्री एलसीएम ले लें, थ्री का मल्टीप्लाई इधर कर लें, तो माइनस का थ्री क्यू, और इधर बचा कैपिटल क्यू माइनस के क्यू, एंड ये टू से टू नहीं कटाई, के से के कटाई, यहाँ टू क्यू बाई थ्री बचा बेटा, के से के बचा, टू बाई थ्री बचाएगा ना बेटा इधर, तो थ्री एलसीएम ले लेंगे, तो ये माइनस का टू क्यू ऐसे, तो इस वाले क्यू को इधर ले आए तो माइनस के टू क्यू बचेगा, और इसमें से ये बचाएं तो माइनस का कैपिटल क्यू बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो क्यू बराबर आ गया क्यू बाई टू। तो जानते हो इतना चार्ज ए कंडक्टर से सी कंडक्टर की तरफ फ्लो किया है, और जैसे इतना चार्ज फ्लो कर गया है तो पोटेंशियल सेम हो गए हैं, और पोटेंशियल सेम हो गए हैं तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया है। तो इस वाली कंडीशन में इस स्फेरिकल सेल पर कितना चार्ज है वो अगर हम देखें फ्लो होने के बाद, तो ये आपका मैं बना देता हूँ, ये स्फेरिकल सेल वन, ये टू और ये थ्री। देखो इस पर चार्ज था क्यू माइनस के क्यू, और क्यू की वैल्यू आई है आपकी क्यू बाई टू, तो पुट कर दें तो क्यू माइनस क्यू बाई टू, तो इस पर आ गया है, इस सरफेस पर आ गया, इस वाले सरफेस पर आ गया है क्यू बाई टू चार्ज, ठीक है। इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, इस पर तो माइनस के टू क्यू था, तो माइनस के टू क्यू चार्ज है, तो इस पर माइनस के टू क्यू चार्ज है, इस पर तो माइनस के टू क्यू कनेक्ट ही नहीं था। इस पर कितना हो गया है, तो इस पर कितना हो गया, फाइव क्यू प्लस क्यू की वैल्यू है क्यू बाई टू, तो ये टेन हो गया, टू एलसीएम लेके टेन और इलेवन, इलेवन क्यू बाई टू इस पे आ गया। तो इस सरफेस इनर मोस्ट सेल पर जो पहला स्फेरिकल सेल था इस पे जो चार्ज है ये कितना आया है, क्यू बाई टू आया है, क्यू बाई टू, और स्फेरिकल सेल टू है इस पे चार्ज है माइनस के टू क्यू, और जो स्फेरिकल सेल है थ्री इस पर है चार्ज है इलेवन क्यू बाई टू, ठीक है। तो ये तो तीनों सेल पर चार्ज आ गए, पहले तो यही पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल सेल, तो इसका एक आंसर तो यही हो गया, एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच सर्फेसेस पूछ रहा है, तो सर्फेसेस पर कैसे चार्ज निकालेंगे तो देखते हैं। तो देखो दोबारा से एक स्फेरिकल सेल बना देता हूँ समझने के लिए अच्छे तरीके से, एक स्फेरिकल सेल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जानते हो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए ये तब करना चाहिए जब सभी सेल पर स्फेरिकल सेल अगर हों, किसकी बात कर रहे हैं स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सभी से स्फेरिकल सेल पर चार्ज आ जाए उसके बाद ही हमें चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो इस पर कितना चार्ज था, इस पर चार्ज था क्यू बाई टू, ये माइनस मत समझना, ये क्यू बाई टू चार्ज था इसे घटाने के बाद, ठीक है। इस पर तो जानते हो इनर सर्फेसिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, कंडक्टर अगर हो तो इनर सर्फेसिस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, तो ये क्यू बाई टू है तो इसके इनर सर्फेस पर आएगा कितना, माइनस के क्यू बाई टू, तो इसके इस सरफेस पर आ गया ये क्यू बाई टू और इस सरफेस पर आ गया माइनस के क्यू बाई टू। तो जानते हो इस पर टोटल चार्ज कितना था, इस पर माइनस के टू क्यू था, तो जानते हो इस पे माइनस क्यू बाई टू आया, तो इस पे जो होगा माइनस के टू क्यू प्लस क्यू बाई टू, टोटल चार्ज इस पूरे सरफेस पर कितना था, माइनस के टू क्यू, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से माइनस के टू क्यू रहना चाहिए, तो माइनस के क्यू बाई टू और प्लस के क्यू बाई टू अगर दोनों को जोड़ लें, दोनों को इस सरफेस के चार्ज को और इस सरफेस के चार्ज को ऐड कर लें, तो देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के टू क्यू, पहले भी माइनस के टू क्यू था, तो इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखिए, फिर इस सरफेस इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था, माइनस के टू क्यू, तो इतना, तो इसको सॉल्व कर लें तो इस सरफेस पर कितना आएगा जरा देखिए, तो माइनस के फोर क्यू प्लस के क्यू, तो माइनस का थ्री क्यू बाई टू, वो इस सरफेस पर चल रहा है। अब ये सरफेस और ये सरफेस देखें, ये वाला सरफेस ये इनर सरफेस हो गए, इस पे माइनस के थ्री क्यू बाई टू है तो इस पे प्लस के थ्री क्यू बाई टू होगा, इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो इस सरफेस पर अगर माइनस के थ्री क्यू है तो इस पे प्लस के थ्री क्यू बाई टू होगा,
अब इस पर प्लस के 3q/2 आया है, तो इस पर पहले कितना था, 11/2q था, 11q/2। इस पर अभी भी 11q/2 होना चाहिए, तो जितना यहाँ प्लस का आया है उतना यहाँ पर माइनस का कर दो, माइनस का 3q/2। इन दोनों सर्फेसिस का टोटल चार्ज पहले कितना था, 11q/2, अभी भी 11q/2 होना चाहिए। देखो इससे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 11/2q रहेगा। तो इसीलिए इस पर कितना चार्ज हुआ, तो यहां से अगर 2 LCM ले लें तो 11Q माइनस के 3Q तो 8Q/2, तो दैट मीन्स 4Q। तो एक्चुअल में अब मैं सरफेस चार्ज दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे चार्ज आया है Q/2, इस सरफेस पे चार्ज आया है माइनस के Q/2, इस सरफेस पे चार्ज आया है माइनस के 3Q/2, इस सरफेस पे चार्ज आया है प्लस के 3Q/2, और इस सरफेस पे चार्ज आया है प्लस के 4Q, इस पर भी ये प्लस का है, ऐसे सभी सर्फेसिस पे चार्ज आ रहे हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, ये से ये समझ में आया हो आपको, है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो ये सब आपको कैसे करने हैं समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब करना जब एवरी सेल पर आपको चार्ज पता हो, एवरी सेल का चार्ज पता होना चाहिए पहले। ऑलरेडी चार्ज नहीं पता है तो पहले उस चार्ज को निकालो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, पहले मत करना। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।